सन्मान्य डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, खिरमे सर, इंजिन सर, ग्रेवाल जी, विजय जी और इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति और भाइयों, मुझे लगता है कि बहुत सारे विषय सामने आए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच की 25 साल की यात्रा ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में हमको स्वबोध आवश्यक है। हम स्वयं क्या है और उससे भी ज्यादा आवश्यक है शत्रुबोध। शत्रुबोध होगा तो शायद हम दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, आक्रमण से बच सकते हैं और भारत का मिशन इसी में आया है। मुझे लगता है भारत तिब्बत सहयोग मंच की ये जो यात्रा है ये भारत वर्ष में स्वबोध और शत्रुबोध को स्पष्ट करने वाली एक लंबी यात्रा है, एक बड़ा मिशन लेकर चलने वाली यात्रा है। भारत का अपना स्वभाव है, भारत की अपनी ये लंबी यात्रा है, भारत के उसमें व्यवहार है, भारत का आदर्श है। हमने सीमा के बारे में कभी इतनी चिंता की ही नहीं होगी शायद, पूर्व काल में दृष्टिकोण हमारा अलग है ना, हम अध्यात्म आधारित देश है तो हमको इतनी दुनिया से शत्रुता लेने का हमारा स्वभाव नहीं रहा और दुनिया इतनी एक प्रकार से शत्रु भावना से कुछ कर सकती ऐसा भी नहीं लगा। हाँ ये भी मन में आता है कि दुनिया जो एक प्रकार से दुष्चक्र में फंसी हुई है वो पूंजीवाद हो, साम्यवाद हो और कोई वाद हो, ऐसे लोगों की मुक्ति होना चाहिए। ये भारत का पहले दिन से विश्व मिशन रहा है, ये वैश्विक चिंतन भारत वर्ष का पहले दिन से रहा है, आज भी है और कल भी रहने वाला है। भारत इससे पक्का है, वो चाहता भी है। दुनिया में विश्व शांति, हर व्यक्ति को अपने अपने रुचि अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार अपनी स्वतंत्रता के आधार पर व्यापक होते हुए जाने का प्रयत्न, ये तो बताया गया और इसलिए भारत वर्ष का ये प्रवास हमको यही बताता है, अपना एक स्वबोध का मार्ग है। लेकिन अभी हमको ध्यान में आता है कि अभी हमको भारत वर्ष में अपना विकास करते हुए शत्रु को समझना ज्यादा आवश्यक है। शायद हम भी बहुत पहले बड़ी मात्रा में विश्व संचार किए हुए लोग हैं, हमारे पूर्व के लोगों में दुनिया में आने जाने का क्रम रखा है, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सुना है, कभी अभी हमने ये पढ़ा नहीं है कि भारत वर्ष लोगों ने दुनिया में जाकर कई कष्ट दिया है, कई विपरीत प्रयत्न किया है, किसी का अस्मिता समाप्त करने का प्रयत्न कभी नहीं किया। हम भी विश्व संचार करते समय हमने दुनिया को अच्छी चीज देखने के लिए प्रयत्न किया, देने का प्रयत्न किया, वहां से कुछ अच्छा मिलता है तो वहां से अच्छा चीज लेने का प्रयत्न किया। लेकिन दुनिया में विश्व संचार करने वाले लोगों ने दुनिया के सामने संकट खड़ा कर दिया। कभी कभी चाइना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है चाइना 1949 में वो भी स्वतंत्र एक प्रकार से देश हुआ है। उस समय चाइना के पास केवल 43 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जमीन है, आज चाइना के पास 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन आ गया है। कहां से आ गया भैया? आप छोटे बड़े देशों को सहन नहीं कर पाते हो, आपका स्वभाव यही दिखाता है, लंबे समय से आप इस स्वभाव पर चल पड़े हो और उसी नाते से उन्होंने तिब्बत पर किया है। जो अड़ोस पड़ोस के 14 देशों की सीमा है चाइना के साथ, उसके उनके साथ भी वही व्यवहार चल रहा है ना, वो ताइवान हो, हांगकांग हो, वो छोटे छोटे मकाऊ हो, मंगोलिया का हो, तो स्वभाव में मूल समझकर हमको उसकी दृष्टि को समझना चाहिए। उल्लेख हुआ है तिब्बत भी लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, दुनिया का छत है, दुनिया का अपने आसिया खंड का मोर देन 70% रिवर वाटर वहीं पर मिलता है, वही नीचे आता है। नाम लिया सब उन्होंने नदियों के, गंगा,
सरस्वती है, हमारी पंचनद के सारे स्रोत वही पर है, येलो रिवर वही है, यरावर्दी वही है, ब्रह्मपुत्रा वही है, शंखो नदी भी वही से आती है, मिनरल्स बहुत बड़ी मात्रा में है। तो चाइना इस प्रकार के वृत्ति को चला रहा है ये हमको दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, जिसका मुझे लगता है कुलदीप जी